आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि क्लस्टर के अंदर बहुत सारा वार्निंग लाइट होता है। उस वार्निंग लाइट के क्या काम होती है, वो आपको क्या इंडिकेट करता है, कौन सा वार्निंग लाइट आपको ड्राइविंग के समय मिलेगा और कौन सा किसी प्रॉब्लम आने की वजह से वो आपके डिस्प्ले पे शो होगा। तो आज मैं बैठा हुआ हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा अल्फा AMT जो टॉप वेरियंट है, और मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लस्टर में क्या क्या वार्निंग लाइट है। तो अभी इग्निशन ऑफ है तो मैं इसका इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ। ये मैं इग्निशन ऑन किया तो सबसे पहले देखेंगे इग्निशन ऑन करने के बाद ये अपना RPM मीटर है जो इंजन का रोटेशन पर मिनट है, ये आपको बताएगा कि इंजन कितने RPM पर रोटेट कर रहा है। ये आपका स्पीडोमीटर है कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है, ये इसका इन्फॉर्मेशन आपको इस मीटर से मिलेगा। इस साइड में एक MID है, MID में क्या है, ड्राइविंग टाइम मिलेगा, बाकी आप क्लस्टर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, फ्यूल कितना है, आपकी गाड़ी का एवरेज कितना मिल रहा है, आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस अभी तक कवर कर पाई है, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सारा कुछ आपके MID के अंदर मिल जाएगा। मैं वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। पहला ये देखिए, ये माल फंक्शनिंग लाइट है, ठीक है, ये माल फंक्शनिंग लाइट है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम इंजन में आ रहा है, वो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, तो ये लाइट आपका डिस्प्ले पे यानी कि क्लस्टर पे शो करने लगेगा, यानी कि आपकी गाड़ी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर आप ऑन द वे हैं या फिर आपकी गाड़ी अब घर पे है, तो आप जो भी है नियरेस्ट वर्कशॉप में कॉन्टेक्ट करें मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर। नीचे आ रहा है आपका एक लाइट है, ये बैटरी का। ये बैटरी क्या होता है कि जैसे कि हमारे गाड़ी में एक ऑक्सिलरी बैटरी लगा हुआ है, अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो उसकी चार्जिंग ड्रॉप होती है, तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद उसकी चार्जिंग को फिर से अप किया जाता है, तो वो चार्जिंग जो अप किया जाता है तो उसको अप करने के लिए हम लोग ऑल्टरनेटर यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटर चार्ज प्रोवाइड करता है ऑक्सिलरी बैटरी को बाकी एसेसरीज को रन करने के लिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम ऑक्सिलरी बैटरी के साथ में या ऑक्सिलरी बैटरी के वायरिंग में या ऑल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपकी गाड़ी का मेन सप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप तुरंत ही इसे जाके दिखाएं। अगर आप ऑन द वे हैं तो इसमें ज़्यादा देर ड्राइव ना करें गाड़ी को, अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को वर्क करने के लिए 12.5 वोल्ट यानी कि 12.5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। जो बैटरी जब गाड़ी बंद रहती है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो ऑक्सिलरी बैटरी से लेके काम कर लेता है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये शिफ्ट हो जाता है ऑल्टरनेटर पे सारा लोड, तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे। उसके जस्ट नीचे में है ऑयल प्रेशर स्विच का इंडिकेशन। ऑयल प्रेशर स्विच क्या है कि इंजन के अंदर में हर एक पॉइंट पे ऑयल को सर्कुलेशन करने के लिए पहुंचाने के लिए हम ऑयल पंप का यूज़ करते हैं। ऑयल पंप का एक अपना प्रेशर होता है, अगर ऑयल पंप में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये इंडिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप गाड़ी ना ड्राइव करें ना स्टार्ट करें, आप टो करके ही ऑथराइज सर्विस सेंटर गाड़ी को ले जाएं। अगर आप इस कंडीशन में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी में ऑयल किसी कंपोनेंट में नहीं पहुंचने के वजह से वो कंपोनेंट में वियर एंड टियर हो जाएगा, यानी कि घिस जाएगा, घिसने के वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा और वहाँ पर वो पार्ट सीज भी हो सकता है और टूट भी सकता है। इसके जस्ट नीचे में है आपका स्टीयरिंग। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लगा हुआ है जो EPS है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इसको भी चलने के लिए आपका बैटरी का ही यूज़ होता है, ये बैटरी के पावर से ये स्टीयरिंग रोटेट करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक DC मोटर लगा हुआ है, DC मोटर की वजह से ये ऑपरेट होता है। इसके बगल में हैंड ब्रेक का ब्रेक ये लाइट है, हैंड ब्रेक जो हमारे गाड़ी में होता है। अभी देखिए मैं हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर रहा हूँ तो ये लाइट चला गया, जैसे मैं इंगेज करता हूँ ये फिर से लाइट आ जाएगा, तो ये आपको ये बताता है कि हैंड ब्रेक इंगेज है या डिसइंगेज है। ये सीट बेल्ट का है, अगर गाड़ी में सीट बेल्ट लगा हुआ है तो ये लाइट ब्लिंक करेगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है तो ये जलता रहेगा। आगे चलिए, मैं और भी बाकी बहुत सारी लाइट है, बट वो मैंने जैसे बताया था कि जैसे कि आप इग्निशन ऑन करेंगे तो वो जलेगा और 3 सेकंड के बाद वो फिर से ऑफ हो जाएगा, तो मुझे फिर से इग्निशन को कट करके ऑन करना होगा। मैंने ऑफ किया है अब इग्निशन को, अब मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ इग्निशन को। तो ये देखिए स्टीयरिंग के जस्ट बगल में एक लाइट जल रहा था, आप फिर से देख लीजिए एक बार ये लाइट। ये आपका AMT सिस्टम का जो इस गाड़ी में, ये गाड़ी AMT है यानी ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन में एक कंट्रोलर लगाया जाता है जिसको TCM बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट।
ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये आपके एक्सेलरेशन यानी कि आप जो स्पीड बढ़ा रहे हैं, जो आप आरपीएम बढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से गियर को इंगेज और डिसंगेज करना। फिर से मैं इग्निशन को ऑफ कर रहा हूँ, फिर से ऑन करूँगा, फिर मैं ये देखिए यहाँ ABS का लाइट जल रहा था। ये ABS क्या है? ये ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो आपके ब्रेकिंग सिस्टम को प्रिवेंट करता है, गाड़ी को स्कीड होने से बचाता है। स्कीड से होने से आपको, आपकी गाड़ी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप सडनली अगर ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी रोड पे स्कीड नहीं होती, क्योंकि ABS की वजह से। ABS क्या करता है, आपके चारों व्हील पे अलग अलग तरीके से ब्रेक फोर्स अप्लाई करता है और ब्रेकिंग सिस्टम को और इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर ABS में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये लाइट आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में भी आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर जाके आपको इस चीज़ को दिखाना होगा। ये आपका की का है। अगर आपके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है, चाबी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है गाड़ी में, तो ये लाइट चलने लगेगा, ब्लिंक करना स्टार्ट करेगा। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रहा है तो आपकी गाड़ी उस कंडीशन में स्टार्ट नहीं होगी। आइदर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, या चाबी पानी में चले गई, या चाबी जोर से गिर गया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें एक केस आता है जो कस्टमर फेस करते हैं ऑन द वे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ये चाबी है, ये चाबी, इसे कीलेस एंट्री कहा जाता है, यानी कि आप, आपके पास चाबी ही नहीं है, आप इसे पॉकेट में रख के भी अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी डोर ओपन भी कर सकते हैं और गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर भी एक बैटरी लगा हुआ है, इसके अंदर भी एक चिप लगा हुआ है, अगर इसका बैटरी लो हो जाता है तब आप कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जब इसका बैटरी लो हो जाएगा तो इसे कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका पुश बटन है जो स्टार्ट एंड स्टॉप का जो है इंजन का, अभी मैं इसे ऑफ कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये ऑफ है, देखिए क्लस्टर भी ऑफ है पूरी तरीके से। अब मैं ब्रेक को मैंने प्रेस किया और इस चाबी से जो हमारा ये पुश बटन स्विच है, मैं इसी उसको दबाऊंगा, 3 सेकंड के लिए दबाऊंगा और देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। अगर इसका बैटरी लो हो जाता है तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, बट उस कंडीशन में आपको इस चाबी को, आपका जो स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच है उसके सामने 3 सेकंड तक इसको होल्ड करना है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।